I welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination Preparation Paper 1 Financial Administration. So dear all, in this video we are going to cover previously asked question, and this question was asked in April 2017. The question was, what are the different purposes for which general provident fund is applicable or you have to withdraw? Agar aapko provident fund se paisa nikalna hai to uske liye kya kya conditions honi chahiye, kis kis case mein aap apna paisa general provident fund mein aapne jo dala hai wo nikal sakte hain. Before that, this is for educational purposes only, as you all know. This is for educational purposes. There is no commercialization involved, and please refer to standard rules and regulation in case of any deviation. And the channel acknowledge all the online offline platform reference books. Next one, let's see the general provident fund rules. So this is a GPF rule, that is a general provident fund rules 1960, and rule number 15 has a mentioning of withdrawal from the fund. Rule 15. GPF 1960 का रूल 15 हमें बताता है विड्रॉल फ्रॉम द फंड, कि किस अवस्था में है हम अपना पैसा जो कि हमने जीपीएफ में डाला हुआ है उसको निकाल सकते हैं. इसके लिए मैं आपको एक ऑफिस मेमोरेंडम दिखाऊंगा ओएम, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा. इसमें इस रूल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 1960 के बाद भी अमेंडमेंट्स हुई है, नोटिफिकेशन होती है, अमेंडमेंट्स की जाती है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है. तो लेट मी शो यू एन अमेंडमेंट. तो दिस इज अमेंडमेंट जो 2017 में की गई, अमेंडमेंट टू द प्रोविजंस ऑफ प्रोविडेंट फंड, दैट इज जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 1960, दैट इज अ लिबरलाइजेशन ऑफ प्रोविजन फॉर द विड्रॉल्स फ्रॉम द फंड बाय द सब्सक्राइबर्स. उसमें लिबरलाइजेशन दी गई, लिबर्टी दी गई बेसिकली. तो द प्रोविजन इन द रूल्स हैव बीन रिव्यूड एंड इट इज नाउ बीन डिसाइडेड टू परमिट विड्रॉल्स फ्रॉम द फंड बाय द सब्सक्राइबर फॉर द फॉलोइंग रीजन. तो अगर आपने जीपीएफ है आपका और किसी कारणवश आपको पैसा निकालना पड़ गया, तो कारण क्या हो सकते हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट अलाउ कर देगी पैसा निकालने के लिए? एजुकेशन हो सकता है. दिस विल इंक्लूड द प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन कवरिंग ऑल स्ट्रीम एंड इंस्टीट्यूशन. ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसिस है, अगर आपके परिवार में किसी की, आपके डिपेंडेंट्स की मैरिज है, फ्यूनरल है, कोई सेरेमनी है, आपके ऊपर जो फैमिली मेंबर्स हैं और आपके डिपेंडेंट्स हैं, ये भी याद रखिए इसमें आपके फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट्स आएंगे, उसके लिए आपको जीपीएफ से पैसा निकालना की अनुमति दी जा सकती है. इलनेस के लिए, फैमिली मेंबर्स के डिपेंडेंट्स की, और परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, आपको कोई चीज जरूरत सामान खरीदना है, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है किसी सामान की, आपको परमिशन मिल सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज बीन डिसाइडेड टू परमिट विड्रॉल अप टू 12 मंथ पे और 3/4 of the amount standing in credit, whichever is less. And for illness, the withdrawal may be allowed up to 90. आपको 90%, मान लीजिए आपके GPF में 100 रुपए हैं, तो आपको 90 रुपीज आप निकालने की अनुमति दी जाएगी, मतलब 90% तक आप अमाउंट निकाल सकते हैं इलनेस के केसेस में. लेकिन इसके लिए कंडीशन दे दी गई है कि कम से कम 10 ईयर सर्विस होना जरूरी है, तभी कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर 10 साल कंप्लीट कर लेता है तब वो ये चीजें कर सकता है GPF का यूज, जो भी 90% की बात की गई है यहां पे. तो सब्सक्राइबर में सीख विड्रॉल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 ईयर ऑफ सर्विस, तो क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? हाउसिंग इंक्लूडिंग बिल्डिंग और अक्वायरिंग अ सुटेबल हाउस और अ रेडी बिल्ट फ्लैट फॉर हिज रेजिडेंस. आपको बिल्डिंग बना रहे हैं, आपको जीपीएफ से पैसा निकालना है, मिल सकता है. रिपेमेंट ऑफ आउटसोर्सिंग हाउसिंग लोन, आपने लोन लिया है घर बनाने के लिए, आपको पेमेंट करनी है, जीपीएफ से पैसा निकालिए और दे दीजिए. परचेज ऑफ हाउस साइट फॉर बिल्डिंग अ हाउस, कंस्ट्रक्टिंग हाउस ऑन अ साइट रिक्वायर्ड, रिकंस्ट्रक्टिंग और मेकिंग एडिशन ऑन द हाउस इज ऑलरेडी रिक्वायर्ड. अगर आपने घर में मरम्मत का काम लगाना है, आप चाह रहे हैं आपकी एक फ्लोर में एक और फ्लोर आपने ऐड करना है, जीपीएफ से पैसा आप निकाल सकते हैं. रेनोवेटिंग एंड एडिशनल एंड ऑल्टरेशन ऑफ द एंसेस्ट्रल हाउस, आपके कोई पैतृक घर है उसमें भी आप मरम्मत का काम करवा सकते हैं, जीपीएफ से आप आराम से पैसा निकाल सकते हैं. सब्सक्राइबर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सब्सक्राइबर मे बी अलाउड टू विड्रॉ अप टू 90% ऑफ द अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज ऑल्सो डिसाइडेड डू अवे विद द प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन विच ले डाउन दैट द सब्सिक्वेंट टू द सेल ऑफ द हाउस फॉर विच जीपीएफ विड्रॉल हैव बीन अवेल्ड, द अमाउंट हैज बीन डिपॉजिटेड बैक. तो बहुत सी कंडीशन में रिलैक्सेशन दी गई है. परचेज ऑफ मोटर कार, आपने कार खरीदनी है, एक्सटेंसिव रिपेयर करनी है, मेकिंग डिपॉजिट टू बुक अ मोटर कार, उसके लिए भी आप चाह रहे हैं कि गाड़ी ले लें, जीपीएफ से पैसा आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ने प्रावधान रखे हैं. अ सब्सक्राइबर मे बी परमिट टू विड्रॉ 3/4 ऑफ द अमाउंट विद स्टैंडिंग एट द क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ द व्हीकल विच एवर इज लेस
एंड विड्रॉल फॉर द अबव इज परमिटेड, लेकिन उसमें भी प्रावधान रखा गया है, ज्यादातर 10 साल की ही बात की गई, अगर आपके 10 साल की सर्विस है तो आप ये चीजें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको थोड़ा आइडिया लग चुका है कि जीपीएफ से आप विड्रॉ कैसे करेंगे। अगर हम बात करें रूल की, तो ये रूल नंबर 15 कमेंट किया गया था, 15 रूल आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम में लिखना है कि भाई ये तो रूल 15 है जिसमें बात की गई थी किसकी, विड्रॉल फ्रॉम द जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स में। ओके, और क्या क्या कंडीशन है, एजुकेशन के लिए, मैरिजेस के लिए, फ्यूनरल्स के लिए, सेरेमनीज के लिए, इलनेस के लिए अप टू 90% भी आपको मिल सकता है, हाउसिंग के लिए, आपको गाड़ी खरीदनी है, एडिशनल हाउसेज में रिपेयर करनी है, नया लोन चुकाना है, नई जमीन एक्वायर करनी है, तो सबके लिए प्रावधान रखे हैं। तो ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं एग्जामिनेशन में, जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए। सो आई होप दिस विल गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट द विड्रॉल फ्रॉम जनरल प्रोविडेंट फंड और जीपीएफ से कैसा पैसा निकाले, उसके लिए क्या प्रावधान है। ये नोटिफिकेशन थी जो कि ऑफिस मेमोरेंडम है 2017 का है, ये एप्लीकेबल है अभी। थैंक यू ऑल फॉर अ वैल्यूएबल टाइम।